एक होर किसान चढ़िया करजे दी बली, पिछे रोंदे छड़ गया अपने प्यारे बच्चे, आखिर कदों तक आंदा तेदा ये हाल रहेगा। कर्जे दे कारण हर रोज़ किसानां दीआं खुदकुशियां दीआं मंदभागियां घटनावां सुणन नूं मिलदीआं रहिंदीआं ने, क्योंकि कई बार फसल का झाड़ ही घट हुंदा है ते कदे खड़ी खड़ोती फसल ही तबाह हो जाती है, जिस नाल किसानां दा कर्जा घट होण दी बजाए होर दूणा हो जाता है, जिस करके किसान खुदकुशी दे राह वल चल पैंदे ने ते ये भी नहीं सोचते कि उन्हां दे पिछों उन्हां दे परिवार का की बनेगा। आखिर कदों रुकेगा किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकुशियां का सिलसिला? की सरकार कोई नवी रणनीति लेके आएगी या नहीं? इहो जिही मंदभागी घटना सामने आई है पटियाला के हलका सनौर के पिंड मीरपुर तो, जिथे किसान हरजिंदर सिंह ने कर्जे तो दुखी होकर खुदकुशी कर ली। दसिया जा रहा है कि उसके कोल कुछ जमीन अपनी सी ते कुछ ठेके ते लई हुई सी अते उस उपर 6 लाख का कर्जा सी ते इस बार फसल का झाड़ घट होण कारण परेशानी के चलते आत्महत्या कर ली। अभिषेक ही नाम उन्होंने पहला 5-6 लाख का कर्जा सी ते ऐतकी झाड़ भी निकलिया वधिया ते जिस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। सरकार को किदां दी मांग करदे हो कि जिस तरह कर्जा चढ़ाया होया सी? कर्जा उत्तर जो साढ़े दो भरा आई असी मेरे तो वड्डा उसका नाम रोहित है, उसने सरकारी नौकरी की आस है कि साढ़े सरकार दे दे जी की मांग करते सरकारी नौकरी मिल जाएगी ते कर्जा उतर जाए। अभिषेक घर का खर्चा किवें चलूगा, क्योंकि तुम की करते हो कि फादर दे ही कमाई के नाल घर का खर्चा चलता सी जां तुसी भी कोई ना कोई काम करते? मैं तो जी प्लस टू चाहिए 12वीं च ते जो लैन देन सी पापा नूं ही पता सी मेरे नाल। इदा जी इन्हें इतने 5-6 किले पहले लई सी जी ठेके से, किला इहदा अपना सी, इहदे ते पिछले साल तो कुछ कर्जा चढ़ गया जी 6-7 लाख रुपया कर्जा, इहदे ते 3 लाख रुपया सरकारी कर्जा जी, कुछ प्राइवेट है ते एक्ती कणक कट कारण इन्हें सुसाइड कर ली। अगे इन्हू दिसदा कुछ नहीं सी, कहिंदा सी भी मैं हुण करां ते करां भी की, ते उहदे करके इन्हें ये कदम चुकिया जी। परिवार दो लड़के है जी, आप घर वाली भी बस। किस तरह की मांग करते हैं परिवार? मंग यही करने जी, जिहड़ा सरकारी कर्जा जी वो इहदा माफ किया जाए ते किसे बच्चे नूं सरकारी नौकरी मिल जाए। प्लस टू की हुई बच्चे ने, सरकारी स्कूल च पढ़े ने बच्चे, कोई प्राइवेट नहीं पढ़े हुए। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज, जिथों तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा, तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी, ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।